अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड राइज एंड शाइन। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईमेल्स, थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट। मेरे डायरेक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी ईमेल्स, क्योंकि मैं एडिट करती हूँ उनको। तो एनीवे, जैसे मैंने आपको कहा था कि आखिरी हमारे चंद दिन रह गए, और विच इज़ अबाउट 12 डेज नाउ आफ्टर टुडे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हैव फन। मैं बहुत मज़ा करूँगी, बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। मेरे जितने भी गेस्ट होंगे वो मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं, और शो बिज़नेस से ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ है, बिकॉज उससे ये होता है कि आपको भी शो बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा कुछ और पता चल जाता है। जैसे आपको पता है गॉसिप मैं करती नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आज थोड़ी सी गॉसिप हो जाए। आज का शो बहुत मज़े का होगा, बिकॉज मेरे पास, अगर आप लोगों को याद है कि 70s में एक शो था 40 एंजल्स, सो आई हैव ऑल द 3 एंजल्स विथ मी टुडे। आई हैव मायरा, आई हैव एनी एंड आई हैव फीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड ऑफ कोर्स ये मुझे पता है कि छुट्टियां हैं जी, एंड वी हैव, आई एम होपिंग वी हैव अ यंगर ऑडियंस वाचिंग टुडे। वेक अप, उठाए सारों को उठाए, बिकॉज होपफुली दे आर अप दिस अर्ली, होपफुली दे हैवंट स्लेप्ट ऑल नाइट लाइक अस, लाइक एट लीस्ट या। और आज एक बहुत मजे की चीज है, बिकॉज मायरा एंड फीहा आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, रियली रियली ओल्ड फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, अगर आपने फीहा से मायरा के बारे में कुछ पूछना या तो वो आपको जैसे कहते हैं ना, हाँ फोन कीजिएगा और सच सच आपको मिलेगा जो भी आपने, क्योंकि देयर इज, वी हैव, मतलब कुछ छुपा ही नहीं सकते गुंजाइश ही नहीं। और सो स्पीक्स द दर्जी, गुंजाइश ही नहीं। और एनी के बारे में आप मुझसे पूछे और मेरे बारे में एनी से पूछे, सो इट्स गोइंग टू बी अ फन शो। सो वेक अप और जस्ट शेयर आवर, यू नो, लाइक मैंने कहा कि ये कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो रही होती है तो उसको हमेशा, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट। हम समझते हैं कि वो रोने धोने से वगैरह, प्लीज नहीं, वी शुड हैव फन, बिकॉज जो चीज़ उसकी जगह आएगी, इट्स ऑलवेज आई फील एन इम्प्रूवमेंट, हमेशा होता है ये। आप देखेंगे कि यू नो कहाँ हम कहाँ से कहाँ आ गए अपने टेलीविजन में, यू नो एन एरा एंड्स, ये है कि वो याद तो रहता है, यू नो नॉस्टैल्जिया ऑलवेज स्टेज विद यू, यू नो दैट समथिंग दैट, बट न्यू बिगिनिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, के शुरुआत, नई शुरुआत की। आप मुझे फ़ोन करके बताएं कि आपके लिए, आप देखे ना उर्दू में फंस जाती हूँ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ न्यू बिगिनिंग, मीनिंग वो आपने पहली बार, हाँ ये कब थी, आपकी आखिरी शुरुआत पहली बार कब थी, या पहली शुरुआत कब? आई नीड टू सॉर्ट दिस। ओके, कम ऑन, सो लेट्स स्टार्ट विद यू गाइस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गाइस हैड अ न्यू बिगिनिंग? Let's see, when did we have a new this beginning? This is a first. This is a new beginning. Yeah. And we were, yeah, this is a new beginning. Yeah. Definitely, yeah. Definitely. But personal, a proper, personal. I think when, I've got to be really honest. Yes. Okay. When I switched channels, it was a new beginning. Okay. Yeah. It was really hard, but it was a new beginning nonetheless. Yeah. And what was it that you felt ke agar hum, main ek jagah chhod ke dusri jagah ja rahi hu, to ek to wajuhat pe to hum nahi jayenge, because hum saron ko pata hai ki hum kyun chhod ke kyun jaate hain, lekin wo kya cheez thi jo ek jagah aapko nahi milti ki aap dusri jagah jaate hain, ya aap ek jagah pahunch ke kehte yaar wo wahan behtar tha yahan bhi, na well, because yahi sari cheeze ja rahi hoti hai na. Well, with me what happened is ki mujhe aisa lagta hai ki ek वो चैनल जो था, विच इज MTV, वो मेरा घर था और घर है ये। अब दिस इज मोर वर्क, यहाँ मैं जाती हूँ टाइम पे, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वहाँ मैंने टाइम पे, मतलब व्हाई इट्स वर्क, यस, विच इज व्हाई इट्स वर्क, यू नो आई हैव टू बी ऑन टाइम, वरना 5-6 ईमेल्स भी चली जाएंगी या ये हो जाएगा, यू नो इट्स मोर, so acha meaning wo hierarchy hai, this and that, you know, and I've learnt a lot more, I would have never learned, yeah. Acha, so it's just like leaving, and I did that when I was 16, I left home, went to America. It's like going to infant school, from infant school to junior school, something like that, primary education. It's also like just being independent. Pehle lagta hai, oh god, ye what is this reality, ye kaun si duniya hai, you know, you're not protected, aur फिर इट एक्चुअली मेक्स यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, सो या इट वाज अ न्यू बिगिनिंग, दैट वाज अ न्यू बिगिनिंग, बट यू एंजॉयड इट, यू यू आर ग्लैड कि आपने वो स्टेप लिया, आई एम बिगिनिंग टू एंजॉय, ओके, यस, जबरदस्त, एनी व्हाट अबाउट यू?
change the question. No, please go on. I'll have time to think. Damn, I wish I'd sat there. I don't know, for me, I think it's because I am already at that channel where she's just joined. So for me, I think the new beginnings are about to happen. Meaning, aap us level pe aa gayi hai jab aap kehti hain ki acha ab ye maine chapter close karke ab mujhe ek naya chapter shuru karna hai. I'm going a little more towards acting, thoda acting try kar rahi hu abhi aur dialogue maro abhi se. Chalo yaar, let's do it. Do it. I knew it. Go on. Nahi keh do. Kitne aadmi the? Very good. Best dialogue ever written. Kitne aadmi? Kitne aadmi? Teen. Char aadmi. Kya kya? Marina ek. Unke saath kya kya? Let's not go.